अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, तो हमारे साथ रहें और हमारी वीडियो को देखें कैसे बन रही है। मज़ेदार सी कढ़ी, फिर आप भी बनाइएगा। फ्लेम ऑन कर दिया हमने, अब इसमें डालेंगे घी। घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा को थोड़ा सा ब्राउन करना। जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डालेंगे। हमारे ब्राउन हो चुके हैं और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको बनाते रहेंगे। साथ ही हमने टमाटर काट के रखा, उसको बनाएंगे। डालेंगे नमक और हल्दी, इसमें फिर गरम मिर्च, थोड़ा सा भूनेंगे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूना जाए, फिर हम इसमें लस्सी शामिल करेंगे। जो मसाला भुना जा चुका है, बनता है, फिर इसमें लस्सी, वो जो बेसन मिक्स करके रखी हुई है, लस्सी और बेसन पहले जो उसका बेसन है वो नीचे रह चुका है, इसको 2 से 3 मिनट ज़रा हम हिलाएंगे ताकि जो वो बेसन है वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको ज़रा आँच जो है वो हल्की कर देंगे, जब ये पकना शुरू हो जाएंगे तब अच्छी तरह से पक के ये गाढ़ी हो, बेसन जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कढ़ी पकना शुरू हो गया है, इसमें चूल्हा ज़रा स्लो कर दिया है, जो अच्छी तरह पक के थोड़ा गाढ़ी हो, लेकिन जैसे पतली है अब तो ये अब जितना पकेगी पक के गाढ़ी होगी उतनी ज़्यादा मज़े की बनेंगे। व्यूअर्स, जो हमारी कढ़ी है वो पक के तैयार हो चुकी है, धनिया डाल दिया, बस चूल्हा जो है वो हल्का किया हुआ ताकि इस पर जो घी है वो ऊपर आ जाए। अब हम पकौड़ों का सामान तैयार कर रहे हैं। मैं हमने आलू, धनिया, प्याज, नमक और सूरख मिर्च डालेंगे, उसके बाद बेसन डाल के मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, फिर इनको फ्राई करेंगे। हमारे पकौड़ों का सामान तैयार हो चुका है और जो घी है वो गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े तो फ्राई करेंगे।
ये रिवर्स अब हमने इसमें अपनी कढ़ी में पकौड़े डाल दिए हैं। कढ़ी बनकर जब तैयार हो गई है, आप भी बनाइएगा, हमें कहेंगे कि कैसी बनी है, कमेंट लाजमी कीजिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को और बेल आइकन को भी दबाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।